नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी, इकाई 8, राजा का हिस्सा। यह एक कहानी है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी प्रजा का प्रेमी राजा। प्रजा की कठिनाइयों यानी कोई गंभीर समस्या हो, कोई कठिनता हो, तो हमेशा उसको मदद करने के लिए तत्पर रहता है, यानी खड़ा ही रहता है। आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है, लोगों से मिलता है, प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में इनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है। पेज नंबर 52, कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, प्रजावत्सल प्रजा प्रेमी। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। स्वयं यानी खुद कठिनाई यानी किसी को कोई समस्या हो और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। जहाँ तक हो लगे कि मैं यहाँ तक हल कर सकता हूँ, वहाँ तक वो दूर करते भी थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना इतने घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। अब घूमते घूमते दूर निकल गए। उन्होंने देखा एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था यानी हल चला रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल है। एक बैल था और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। तो उसके पास एक ही बैल था, दूसरा बैल था नहीं। तो दूसरा बैल के बनिस्बत वो अपनी स्त्री को खिंचाई में लगा दिया। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, वो रथ रोक लिया वहाँ कि रुको रुको, यहीं रुक दो, और दौड़ते हुए किसान के पास गए। भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? अत्याचार यानी जुलम। तुम ऐसा एक स्त्री पर कैसा जुलम कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को हल में जोता जा सकता है? कभी देखा है कि कोई स्त्री हल में जोती हो? मेरा एक बैल मर गया है, उसने कहा कि मेरी क्या समस्या है, सुनो तो सही कि मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, रुपया नहीं है। अगर खेत में न जोता तो मैं क्या खाऊंगा? अगर मैं खेत को खेडूंगा नहीं, उसको जोतूंगा नहीं, तो मैं खाऊंगा क्या? मेरे पास खाने के लिए भी तो होना चाहिए। कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। ज्यादा नहीं देखा भाई ये राजा है कि क्या है, कि कुछ भी नहीं देखा, वो अपने कार्य में वापिस मग्न हो गया। इसे पता था कि इसे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा ने रुका कि भाई सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा कि तुमको जो भी मेरे को कहना है, राजा तो कोई बड़ा नहीं है भाई, जो भी करना है तो मेरे साथ चलो और चलते चलते अपन दोनों बात करते हैं। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे, वो भी उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हो गए। लगन यानी कि प्रेम, उसके काम में रुचि प्रभावित हो गए, उसको बहुत बड़ा असर पड़ा। और वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, थकान लगेगी उसको, और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। अगर उसको थकान लगेगी तो घर का काम कौन करेगा दूसरे? किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब तुम बताओ कि अब ये मेरी वजह, मेरी कारण, अब ये कारण मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बिल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दोगे? किसान बोला, तुम्हारे साथ में चलूंगा तो उतनी देर मेरा काम रुक जाएगा, तुम चाहो तो एक बैल बुला लो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो,
वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी। क्या कहा कि तुम मेरी पत्नी से पास चलो, वहां से तुम बेल मिल जाएगा, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा, तब तक ये हल तुम्हारी पत्नी हटेगी तो मैं खुद। राजा ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा। क्या कहा कि तुम्हारा बेल कमजोर, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, क्योंकि हमारा बेल तो बलवान है, तुम्हारा बेल तो कम, इसीलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ, तुम मेरे दोनों ही बेल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। राजा भूत ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। राजा ने क्या कहा कि तुमको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज उस अपनी परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा होना शर्मिंदा होना यानी लज्जित हो जाना, बहुत दिल शर्मिंदा हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, बार बार क्षमा मांगने लगा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं लज्जित हो गया हूँ, माफी दे दो। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए और राजा बहुत प्रसन्न हुए और वापिस चले गए। यहाँ तक पाठ का सभी विद्यार्थियों को पढ़कर उसका एक पैराग्राफ अनुलेखन भी लिखना है। अस्तु।